दो दिन से आपके पास ना बिजली हो, ना पीने का पानी हो, ना सब्जी हो, ना रोटी हो, ना मोबाइल का सिग्नल हो और ना ही इंटरनेट हो। घर के बाहर कई फीट तक का पानी बह रहा हो, जिंदगी की कोई उम्मीद ना दिखती हो, आप क्या करेंगे? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि महाराष्ट्र के कई शहरों के लोग ऐसे ही हालात से दो चार इस वक्त हो रहे हैं। पिछले दो दिनों से पूरे महाराष्ट्र में जबरदस्त बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई शहरों में बाढ़ आ गई है। सड़कों पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो गायब है क्योंकि पानी में डूब गई है। गाड़ियां न सिर्फ डूब रही है बल्कि पानी के बहाव की वजह से सड़कों पर बह भी रही है। बारिश के बाद हालात थम नहीं रहे हैं। रायगढ़ जिले के एक गांव में भूस्खलन हो गया, इसमें 36 लोगों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं। यहां गांव की रिहायशी आबादी के ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ ही गिर पड़ा है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में मुसीबत इस वक्त टूटी हुई है। यह है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का तलाई गांव, जहां भूस्खलन से हुई तबाही के सबूत चारों तरफ बिखरे हुए हैं। दो गांव में सबसे ज्यादा तबाही हुई, इनमें से एक तलाई गांव में अब तक 32 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और दूसरे गांव सुतारवाड़ी में भी 4 लोगों की मौत हुई। यहां भारी बारिश की वजह से पूरे गांव के ऊपर एक पहाड़ गिर पड़ा। हमारे संवाददाता अजय दुबे खुद मुश्किल हालात का सामना करते हुए तलाई गांव पहुंचे। यहां हालात बहुत ज्यादा खराब थे, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तबाही का क्या मंजर मौसम ने मचाया है, दिखाने के लिए तले गांव हम पहुंचे हैं और क्या तबाही है तस्वीर बयां कर रही है। मेरे पीछे जो ये वीरान इलाका आप देख रहे हैं, ये कोई वीरान इलाका नहीं बल्कि बसा बसाया एक गांव, तलेई नाम का एक गांव। यहाँ 30-32 घर थे और इस घर के ठीक पीछे जो पहाड़ी आपको दिख रही है, लैंडस्लाइड उस पहाड़ी से हुई, पूरा ये इलाका तहस नहस। पूरा जो ये समतल इलाका दिख रहा है आपको, यहाँ पे घर थे, क्या हालत घरों की हुई है जरा योगेंद्र गुप्ता जी दिखाइए, स्थिति कैसी इन घरों की हो रखी है। लगभग यहाँ पर जो लोग रहते थे अब तक रिकॉर्ड पर 35 के आसपास लोगों की बॉडी मिल चुकी है, मौत हो चुकी है। और जो लोग थे, जैसा है एनडीआरएफ की टीम आपको दिखाई देगी, पुलिस के लोग दिखाई देंगे, आसपास घरों में अभी भी खोजबीन कर रहे हैं, जो घर जो मलबा है, साथ ही पास में जो नदी बहती है नदी के उस हिस्से की तरफ आपको लेके चलेंगे। ये जो मलबा ढह के यहाँ से गया है नदी के आगे की तरफ कई सारे लोग बह के गए हैं, ऐसी भी आशंका एनडीआरएफ ने लगाई है। एबीपी न्यूज की टीम को यहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्बादी ही दिख रही है। लोगों के घर टूट गए थे, सिर्फ मलबा ही मलबा फैला हुआ था। एनडीआरएफ की टीम मलबे में से शवों को खोज रही है। यही वो पहाड़ और पहाड़ का वो हिस्सा जो दरक कर नीचे आया और पूरे गांव के इस हिस्से को अपने संग बहा ले गया, दबा ले गया। लोगों की मौत हुई, लोगों को खोजने का सिलसिला अभी भी जारी है। और ये वो घर है जो ठीक पहाड़ के नीचे था, जो मलबा पहाड़ का था, दरक के घर के ऊपर आया, पूरे घर को दबाया हुआ है। जरूरत घर का सारा सामान देखिए, रेफ्रिजरेटर फैला हुआ है, घर जिस एंगल पर टिंगा हुआ था वो एंगल भी टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है, घर का सारा सामान घर के बाहर बिखरा हुआ है। रायगढ़ के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। इन तस्वीरों को देखिए, ये महाड़ इलाके की हैं। यहाँ देखिए इतनी तेजी से बाढ़ आई कि सड़क पर खड़ी कारें ही क्षतिग्रस्त हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि ये कारें और दोपहिया वाहन एक दूसरे से टकरा गए। अभी भी ये वाहन पानी में डूबे हुए हैं। अब रायगढ़ से करीब 100 किलोमीटर दूर चिपलून चलते हैं। एक लड़की को रेस्क्यू किया जा रहा है, उसने एक टायर को पकड़ा हुआ है और उसे छत से ऊपर खींचा जा रहा है। जैसे ही लड़की ऊपर पहुंचती है टायर से उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। अरे बाप रे, अरे बाप रे। ये एक वायरल वीडियो है, अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये लड़की सुरक्षित है या नहीं।
चिपलून में बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा खराब है। अभी भी कई फीट तक पानी भरा हुआ है, सब कुछ बर्बाद हो गया। जिन लोगों के ग्राउंड फ्लोर पर घर थे उनका तो कुछ नहीं बचा। हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े जब आज सुबह चिपलून पहुंचे तो देखिए उन्होंने कैसी बर्बादी देखी। मैं इस वक्त चिपलून शहर के इंदिरा गांधी कल्चरल मार्केट के ठीक सामने की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। अब भी यहाँ पर करीबन 4 से 5 फीट पानी जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो जानकारी स्थानिक लोगों की तरफ से और प्रशासन की तरफ से बताई गई, कल जिस तरह की बाढ़ इस शहर में देखने को मिली, करीबन 12 से 14 फीट तक पानी इस इलाके में भरा हुआ था। कई घरों को, दुकानों को नुकसान जो है वो देखने को मिला है। जान माल का भी नुकसान होने की बात सामने निकल कर आ रही है। आप इस गाड़ी को देख सकते हैं, ये गाड़ी कल पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई थी और इस वक्त भी अगर तस्वीरें देखें तो उसका टायर जो है वो पूरी तरीके से यहां पर डूबा हुआ है। ये तस्वीर है चिपलून इलाके की। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो काफी नुकसान इस पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि हर तरह की मदद लोगों को रेस्क्यू करने के लिए की जा रही है। कल रात देर रात जो है वो एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। करीबन 5,000 से भी ज्यादा लोग इस बाढ़ की वजह से घर में फंसे हुए थे। जिन लोगों के नीचे दुकानें हैं उन्हें भी खासा नुकसान हुआ है। दुकान में सिर्फ ढांचा बचा है, जो भी सामान था सब बर्बाद हो गया। जो व्यापारी वर्ग है उनको नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। करीबन 10 से 12 फीट पानी इस पूरे इलाके में आने की वजह से कई दुकानें जो है, कई ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें जो है वो पूरी तरीके से पानी में समा गई और जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। मैं इस वक्त इंदिरा कल्चर मार्केट चिपलून के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर जो छाया फोटो स्टूडियो है यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे साथ छाया फोटो स्टूडियो के रोहन शेट है। सर, आपसे समझना चाहेंगे, आपके काफ़ी महंगे इक्विपमेंट्स है, कहाँ तक पानी था, कितना नुकसान हुआ है? नीचे पूरा फ्लोर तो पूरा नीचे का पानी में ही था। जो दुकान में जितनी मशीनरी वगैरह है, कैमरा वगैरह, वो सब पानी के अंदर चले गए थे। लगभग नहीं बोलते 10 से 12 फुट पानी दुकान के अंदर भी था। इससे लॉस तो बहुत हुआ है, कम से कम 10 या 12 लाख तक का लॉस हुआ है हमारा। पर सवाल है कि व्यापारियों के इस नुकसान की भरपाई कैसे हो। व्यापारियों की मांग है कि इंश्योरेंस कंपनियां उनके क्लेम सेटल करने में कुछ ढिलाई बरतें और शर्तें न लगाएं। जैसे मानो इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस किसी का फुल पार्टी है, किसी का थर्ड पार्टी है, उसका क्या क्लेम सेटल करेगी? तो सरकार ने ये डिस्ट्रिक्ट के लिए, बोलो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ नहीं तो चिपलून, जहाँ पे नुकसान हुआ है, तो उनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा के इंश्योरेंस कंपनी से बात करके सभी का नुकसान जितना ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके उतना कोशिश करना चाहिए। सिर्फ चिपलून शहर ही बर्बाद नहीं हुआ है बल्कि चिपलून के बाहरी इलाकों में भी बुरा हाल है। यहाँ बाढ़ का पानी तो उतर गया है लेकिन लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिपलून से 10 किलोमीटर दूर खेड़ी गांव में। और ये खेड़ी गांव में भी कल जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई, यहाँ पर भी करीबन 10 फीट तक पानी जो है वो देखने को मिल रहा था। आपको कुछ तस्वीरें दिखा दे, जब पानी यहाँ पे अब उतरने लगा है तो कई गाड़ियाँ जो है पानी के बहाव के साथ बहकर यहाँ पर पहुंची थी, उसको हटाने की कोशिश जो है स्थानिक लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो जगह जगह पर कीचड़ जो है वो देखने को मिल रहा है और कुछ इस तरह से लोग एक दूसरे की मदद जो है वो यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। रत्नागिरी में इतनी बारिश हुई कि अब वहाँ सेना की मदद लेनी पड़ रही है। सेना पहुंच चुकी है। हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हालात वहां जल्द से जल्द बेहतर हो जाए। सैलाब के बाद अब जरा उस हंगामे वाली सियासत की बात कर लें जिसकी गूंज देश की संसद में सुनाई दे रही है। नेताओं, अफसरों और बिजनेसमैन की कथित जासूसी के मामले में आज राहुल गांधी ने सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। हम आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले आपको राहुल गांधी की एक ऐसी बात सुनवाते हैं जो उन्होंने यूं ही पत्रकारों से बातचीत के दौरान कह दी। राहुल गांधी का आम प्रेम या राहुल गांधी की आम वाली ये खास बात सुनिए। I don't like UP आम, I like आंध्रा। I don't like UP आम, I like आंध्रा। आम फल ही ऐसा है कि वो बस कहने के लिए ही आम है, लेकिन हर किसी के मन में उसकी खास जगह होती है। आम लोग ही नहीं, खास लोगों की पसंद में भी
आम की खास जगह होती है। जाहिर है राहुल गांधी भी उन्हीं खास लोगों में से एक है जिनकी आम वाली पसंद कुछ खास है। जरा उन्हीं से सुन लीजिए। राहुल कह रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के आम बिल्कुल नहीं पसंद। I don't like UP arms. I like Andhra. Andhra. राहुल कह रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के आम बिल्कुल नहीं पसंद। तो किसी रिपोर्टर ने चुटकी ली और पूछा कि क्या केरल वाले आम पसंद हैं? तो सुनिए राहुल का जवाब क्या था। We thought only Kerala. I like Andhra. अब आप ही बताइए, उत्तर प्रदेश की जो अमेठी सीट गांधी परिवार के नाम से ही जानी जाती रही है और जिस अमेठी सीट से राहुल गांधी पिछली बार तक सांसद थे, अब राहुल को उसी उत्तर प्रदेश का कुछ भी पसंद नहीं आता। यूपी के गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने तंज कसा, ट्विटर पर लिखा, राहुल जी को उत्तर प्रदेश का आम नहीं पसंद और यूपी को कांग्रेस नहीं पसंद, हिसाब बराबर। इसी साल फरवरी की ही बात है जब राहुल गांधी ने ऐसा ही एक बयान दिया था। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में कहा था कि उत्तर भारत की अपेक्षा केरल के लोग बेहतर समझ रखते हैं। हालांकि संसद के बाहर जब राहुल आम की बात कर रहे थे तो पहले तो उन्होंने यूपी के आम को नापसंद बता दिया, लेकिन बाद में उन्होंने बात संभाली और दशहरी आम पर कहा, वो मेरे लिए ज्यादा मीठा है। अब राहुल भले ही कुछ भी कहें, लेकिन कहने वाले तो कहेंगे ही कि उत्तर प्रदेश से भला इतनी भी क्या तलखी। I don't like UP arms. हम के बाद अब जरा वो खास बात कर लें जिस पर पूरे देश की नजर और खासकर विपक्ष की, जासूसी वाला मामला। आज एक बार फिर देश की संसद में खूब हंगामा हुआ और इस हंगामे के बीच आज राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो थोड़ा अहम है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें इंटेलिजेंस विभाग के लोगों ने खुद फोन करके बताया कि आपका फोन टैप हो रहा है। बीजेपी ने कहा राहुल को लगता है कि उनका फोन टैप हो रहा है तो वो अपना फोन दे दें, जांच में जो कुछ सामने आएगा उसके बाद सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। और फिर क्या हुआ देखिए। आप चर्चा नहीं करना चाहते, प्लीज अपनी अपनी सीटों पर जाइए। मेरा फोन टैप किया, ये राहुल गांधी की प्रगति का मामला नहीं। मैं विपक्ष का एक नेता हूँ, मैं जनता की आवाज उठाता हूँ, ये उस पर आक्रमण है। मुझे करना बंद करो। अगर राहुल गांधी जी को ये लगता है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है तो वो अपना फोन इन्वेस्टिगेशन के लिए दे। और राहुल गांधी के फोन को कौन टैप करेगा, उसमें कुछ ओरिजिनल तो होता नहीं है। देश की संसद के अंदर और संसद के बाहर जिस कथित जासूसी कांड पर बवाल मचा है उसे लेकर राहुल गांधी ने सबसे सनसनीखेज बात कह दी। राहुल ने कहा, मुझे इंटेलिजेंस विभाग के लोगों ने खुद बताया है कि आपका फोन टैप हो रहा है। I get phone call from IB people who tap my phone. Okay, they call me up and say, please be aware that we are tapping your phone. ये 3-4 बार मेरे साथ हुआ है। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स को फोन किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप राहुल गांधी को बता दीजिए कि हमारी उसकी टैपिंग होगी। अगर राहुल गांधी जी को ये लगता है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है तो वो अपना फोन इन्वेस्टिगेशन के लिए दें। गांधी के फोन को कौन टैप करेगा, कोई जूनियर कॉपीराइटर भी आपका वहां नहीं कॉपी करना चाहेगा, उसमें कुछ ओरिजिनल तो होता नहीं है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो तो बहुत दूर की बात है। राहुल गांधी ने सिर्फ अपने फोन टैपिंग की बात नहीं की, उन्होंने कई सवाल उठाए। पहली बात, राफेल की जांच को रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। दूसरी बात, लोकतंत्र के खिलाफ पेगासस को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया। तीसरी बात, सरकार बताए कि पेगासस को उसने खरीदा या नहीं। चौथी बात, पीएम मोदी पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। और पांचवी बात, गृहमंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है।
होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस को का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं कि देश के अंदर लॉ ऑफ द लैंड से काम हो रहा है और किसी का भी फोन इलीगली टैप नहीं हो रहा। जो देश के कानून है उस हिसाब से काम हो रहा है और कोई भी एजेंसी गैर कानूनी काम नहीं कर रही। अगर कर रही है तो देशवासियों को किसी को भी अधिकार है कि जिसे संदेह है अपना फोन दे, उसकी तहकीकात होगी और उसके बाद अगर कोई भी एजेंसी या कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी काम कर रहा है तो आईपीसी के तहत काम होगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप चर्चा नहीं करना चाहते। संसद के अंदर लोकसभा में भी पेगासस जासूसी मामले में जबरदस्त हंगामा हुआ। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है कि कोविड के बारे में चर्चा हो, वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा हो, आप चर्चा नहीं करना चाहते, मास्क खोलकर नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां निकाल रहे हैं, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, कोविड गाइडलाइन की पालना करिए। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जासूसी वाला मुद्दा उठाया तो मुख्तार अब्बास नकवी ने विरोध जताया। द हाउस टू डिसकस द रिसेंट एलिगेशंस इन द मीडिया ऑफ द गवर्नमेंट कैरिंग आउट स्पाइंग एंड ऑनलाइन सर्विलेंस ऑफ सेवरल सीनियर पॉलिटिशियंस। और हंगामा तो उस पर्चाफाड़ कांड पर भी हुआ जो एक दिन पहले राज्यसभा में नजर आया। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से पर्चा छीनकर उपसभापति की तरफ फेंकने के आरोपी टीएमसी के सांसद शांतनु सेन को इस पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। शांतनु सेन स्टैंड सस्पेंडेड फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बिल व्हाट ऑफ द फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन। एबीपी न्यूज ने आपको कल भी बताया था कि आईटी मंत्री के बयान वाला पर्चा फाड़े जाने के बाद सदन की कार्यवाही तो स्थगित कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद शांतनु सेन और सरकार के एक मंत्री के बीच नोकझोंक की नौबत आ गई थी। आज इसी को लेकर बीजेपी ने टीएमसी सांसद शांतनु सेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने साफ साफ कहा कि शांतनु सेन ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर हमला किया। शांतनु सेन ने हरदीप पुरी पर अटैक किया है। हरदीप पुरी जैसा वरिष्ठ नेता और मंत्री, उनसे तो हम कल्पना नहीं करते ऐसा होता है, और शांतनु सेन का इतिहास ही रहा है इस प्रकार घोटाला करना, गलत बोलना, गलत काम करना, और इनकी टीएमसी की कल्चर ही ऐसी, इससे इनको टीआरपी मिलता है। इसी के बाद बीजेपी ने सवाल ये उठाया कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बंगाल में हिंसा वाली संस्कृति अब दिल्ली लेकर आ रही है। इस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पलटवार किया। तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस तरह का वायलेंस किया है बंगाल में, उसी कल्चर को आज पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न है, हम देश को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन पार्लियामेंटेरियंस को, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम बहुत खुश हैं कि ये बंगाल का कल्चर जो बीजेपी का अगेंस्ट है और डेमोक्रेसी के फॉर है, वो कल्चर हम यहाँ लाने में बहुत खुश हैं। और ये हम सारा देश को बताना चाहते हैं कि जो गुजरात का कल्चर है, अमित शाह जब गृह मंत्री थे तब वो 2008-09 में सारे आईपीएस ऑफिसर को बुला के एक इजरायली स्पाईवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। तो ये जो गुजरात स्नूपिंग मॉडल है, जो साहेब वाले स्नूपिंग मॉडल है, वो आप सारा इंडिया में ला रहे, ये कल्चर तो इन्होंने शुरू किया पार्लियामेंट में लाना और देश में लाना। तो आगे अश्विन वैष्णव इनका जवाब दें। संसद में चर्चा नहीं हुई, इसे लेकर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा हुई इसकी। वैसे आज सोशल मीडिया पर दो और चीजें ट्रेंड कर रही थी, पहला तो जय भीम और दूसरा जियो तिवारी जने उधारी। इन दोनों हैशटैग्स का यूपी की सियासत से वैसे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इत्तेफाक देखिए, यूपी की सियासत में भी इस वक्त जय भीम और जने उधारी दोनों चर्चा में है। मायावती की नजर इन्हीं दोनों पर है। अयोध्या में आकर के ये राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन अफसोस
ये सीता मैया की बात नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करते। 2007 में यूपी की सियासत में एक नारा उछला था, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। यूपी की सियासत में मायावती की पार्टी एक बार फिर उसी दाव को आजमाने की जुगत में है। अयोध्या की ये तस्वीरें और बहन जी के करीबी सतीश चंद्र मिश्रा के ये शब्द इसी बात के गवाह है। अयोध्या में आकर के ये राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन अफसोस ये सीता मैया की बात कभी नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। ये आज तक हम नहीं समझ पाए, हमने इनसे बहुत बार पूछा, हमने कहा भगवान राम की बात करते हैं, लेकिन बगैर माता के भगवान राम की बात करना तो अधूरी लगती है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने एक बार फिर ब्राह्मण कार्ड खेला है। बीएसपी पूरे यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है और आज इसकी अयोध्या से शुरुआत भी हो गई, और इसी के साथ बीएसपी ने यूपी में अपना चुनाव एजेंडा सामने रख दिया। अयोध्या में बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने हनुमानगढ़ी जाकर बजरंग बली के दर्शन किए और पूजा आरती भी की। इसके बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए और सरयू में आचमन भी किया। और जैसा कि अभी आप ही लोग मीडिया आपके साथ ही पूछ रहे हैं कि साहब आप कैसे आ गए यहाँ, तो खाली भारतीय जनता पार्टी को अधिकार है आने का, तो ये सुनकर के बड़ा अचंभा हो रहा है कि अगर दर्शन करने हैं रामलला के तो क्या वो उन्हीं के हैं। यूपी में करीब 11% ब्राह्मण है और 21% दलित है। मायावती की नजर इन्हीं वोटरों पर सबसे ज्यादा है। 2007 में जब बीएसपी को ब्राह्मण वोटरों का आशीर्वाद मिला था तो मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, और इसीलिए इस बार भी कोशिश यही है। हालांकि मुस्लिम और ब्राह्मण वोट को एक साथ लाना मायावती के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि मायावती की नजर कुछ मुस्लिम वोट बैंक और कुछ ओबीसी वोटों पर भी है, लेकिन बीएसपी ब्राह्मणों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अयोध्या के बाद अब बीएसपी प्रदेश के कई और जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। 24 और 25 जुलाई को अंबेडकर नगर, 26 जुलाई को प्रयागराज, 27 जुलाई को कौशाम्बी, 28 जुलाई को प्रतापगढ़ और 29 जुलाई को सुल्तानपुर में बीएसपी ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश करेगी। बड़ा इम्पोर्टेंट है अभी मायावती के लिए ये सब करना। पहले भी पाकिस्तान ने जम्मू में भारतीय एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन ही से हमला किया था। कल भी पाकिस्तान की ऐसी ही एक साजिश सामने आई, बेनकाब हुई, फेल हुई। पाकिस्तान के ये मंसूबे पूरी तरह से फेल हो गए पूरे होने से पहले। पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने जो ड्रोन भेजा था उसे कल रात ही जम्मू पुलिस ने गिरा दिया। इस ड्रोन में 5 किलो आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बंधा हुआ था, जो एक बहुत खतरनाक किस्म का विस्फोटक माना जाता है। आतंकियों की ड्रोन से विस्फोट करने की ये योजना, ये सिर्फ योजना नहीं थी बल्कि वो इस आईईडी को अपने किसी हैंडलर तक डिलीवर करवाना चाह रहे थे। एक बार विस्फोटक सकुशल भारत पहुंच जाता फिर किसी बड़े धमाके को वो अंजाम देते, लेकिन ये सब होता उससे पहले इस साजिश का भंडाफोड़ हो गया। अब इस रिपोर्ट से समझिए आप। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश को नाकाम किया है। ड्रोन के गिराने से हमें उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा हादसा जो जम्मू में हो सकता था, जो कि एक आईडी धमाके के द्वारा किया जा सकता था, उसको रोक दिया गया है। अगर कल रात जम्मू कश्मीर पुलिस को ये कामयाबी न मिलती तो हो सकता है कि आज जम्मू से कोई बड़े हमले की खबर आ गई हो। यह हमला बहुत बड़ा हो सकता था क्योंकि पुलिस ने जो ड्रोन मार गिराया है उसमें 5 किलो आईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस भी बरामद की है। ये जम्मू के कानाचक सेक्टर की रात 1 बजे की तस्वीरें हैं। मोबाइल की रोशनी में इस ड्रोन को देखा जा रहा है और तभी पुलिस को ये पता चला कि इसमें विस्फोटक भी लगा हुआ था।
रात के एक बजे का वक्त था। जम्मू के अखनूर के कानाचक सेक्टर में भारत पाकिस्तान की सीमा का यह इलाका, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस को पहले से खबर थी कि यहां एक ड्रोन आने वाला है। रात को ठीक एक बजे पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा के करीब 6.5 किलोमीटर अंदर एक ड्रोन आया। इधर से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैयार थे, उन्होंने ड्रोन पर फायरिंग की तो ड्रोन गिर गए। जहां ये ड्रोन गिरा, तुरंत पुलिस पहुंची तो पता चला कि ये तो बहुत बड़े हमले की तैयारी थी। ड्रोन के साथ करीब 5 किलो आईडी यानी बहुत ही खतरनाक विस्फोटक भी आया हुआ था। इस विस्फोटक से क्या होना था वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दिन के उजाले में देखिए कि पाकिस्तान से आया ये ड्रोन कैसा दिखता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर उसी ड्रोन की, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को मार गिराया है। इस ड्रोन की खास बात यह है कि इस ड्रोन के साथ पाकिस्तान ने 5 किलो तैयार आईईडी भी लगाई थी। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि इस ड्रोन के साथ जो आईईडी लगी थी, ये आईईडी तैयार थी और इसे इस ड्रोन ने बस जम्मू के कानाचक इलाके में गिराना था, जिसके बाद कोई शख्स आकर इस आईईडी को उठाता और फिर आगे इसका इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन समय रहते जम्मू कश्मीर को लगा, पुलिस को लगातार इस बात की जानकारियां मिल रही थी कि जैश ए मोहम्मद 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी नापाक साजिश को अंजाम दे सकता है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे सीमा पर अपने सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात थी और शायद यही एक बड़ी वजह रही कि यह ड्रोन जैसे ही भारतीय सीमा में घुसा, जम्मू के कानाचक इलाके में घुसा और ये पेलोड गिराने के लिए थोड़ा सा नीचे आया, पुलिस ने इस पर फायर किया और उसके बाद इस ड्रोन को मार गिराया गया। पुलिस के मुताबिक ड्रोन से विस्फोटक गिराया जाना था, उसके बाद कोई आदमी आकर विस्फोटक लेकर जाता। इन विस्फोटकों से किसी बड़े हमले को अंजाम देने की योजना थी। विस्फोटक को बहुत अच्छे तरीके से असेंबल करके रखा गया था, सिर्फ एक प्लग जोड़ने की देरी थी और विस्फोटक सक्रिय हो जाता। बहुत बड़ी कामयाबी जी, कामयाबी कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना जिसका अंजाम दिया जा सकता था जिसको, वो रुक गई है। आईडी जो बरामद हुई है वो बहुत पावरफुल आईडी थी, जिसको अभी डिफ्यूज़ कर दिया गया है। अगर वो जम्मू शहर में या किसी और संवेदनशील इलाके में प्लेस कर दिया जाता तो काफ़ी नुकसान हो सकता था। ड्रोन से हमले का ये ट्रेंड इसलिए खतरनाक है क्योंकि पिछले महीने ही पाकिस्तान के आतंकियों ने जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला करने में कामयाबी पाई थी। इसके बाद से लगातार इस बॉर्डर इलाके में ड्रोन हमलों को नाकाम किया जा रहा है और इसी कड़ी में कल ये बड़ी कामयाबी मिली। ड्रोन की जो एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस की गई है, जिसपे ये बात सामने आई है कि वो एक हेक्साकॉप्टर है, 6 उसके पंखे हैं वहाँ पे, उस पर फ्लाइट कंट्रोलर है, जीपीएस लगा हुआ है और इंटरेस्टिंगली उस ड्रोन की जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसका जो सीरियल नंबर है और जो 1 साल पहले ड्रोन कठुआ में गिरा था उसका सीरियल नंबर, दोनों में सिर्फ 1 डिजिट का फ़र्क है, जो ये दिखाता है कि ड्रोन पार में जो तंजीम है इन्होंने एक ही सीरीज के कई फ्लाइट कंट्रोलर्स लिए हैं। पिछले महीने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले और इस बार जम्मू में पकड़े गए ड्रोन में एक समानता भी मिली है। पुलिस का दावा है कि इन दोनों ड्रोन को गिराने में इस्तेमाल हुई रस्सी एक जैसी है। का जो पेलोड गिरता है नीचे, उसको एक स्ट्रिंग के जरिए गिराया जाता है और वो जो स्ट्रिंग है उसकी जो नवीयत है वो तकरीबन जो एयरपोर्ट में जो क्रेटर था, जो बॉम्ब का क्रेटर था, वहाँ से जो धागे बरामद हुए थे उसकी नवीयत और इसकी जो स्ट्रिंग की नवीयत है सेम है। इससे ये लगता है कि एयरपोर्ट, ये कंफर्म होता है कि एयरपोर्ट पे भी जो पेलोड ड्रॉप हुआ था वो भी ड्रोन के जरिए ड्रॉप हुआ था। जैसे ही भारतीय एयरफोर्स को ड्रोन गिराए जाने का पता चला वो भी घटना स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने एयरफोर्स के अधिकारियों को इस घटना की पूरी ब्रीफिंग दी।
ये वो जगह है जहां पर वो ड्रोन, इस ड्रोन को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये खुलासा किया है कि उन्हें लगातार इस बात की सूचनाएं मिल रही थी कि जैश ए मोहम्मद इस तरह की ड्रोन एक्टिविटी कर सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस इलाके में एक एम्बुश लगाया और बीती रात करीब 1 बजे जैसे ही ये ड्रोन यहाँ पर पहुँचा, जहाँ पर आप ये काले काले रंग के थोड़ा सा जला हुआ इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर वो ड्रोन पहुँचा और जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पर फायरिंग की तो ये ड्रोन आकर गिरा। और जब इस ड्रोन की जांच हुई तो पता लगा कि ये एक पाकिस्तानी ड्रोन है जिसे सीमा पार से उड़ाया गया है और यहाँ पर वो ड्रोन गिरा है, जिसके बाद अब जांच शुरू हो गई है। जांच में जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पहुँची है, वहीं भारतीय वायुसेना के अधिकारी भी पहुँचे हैं। पुलिस अभी उस शख्स की तलाश कर रही है जिसे इस विस्फोटक की डिलीवरी के लिए आना था, क्योंकि उसके पकड़े जाने के बाद ही सीमा पार वाले इलाकों का पता चल पाए। यह जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे से लगता हुआ इलाका है और जम्मू कश्मीर पुलिस का यह भी दावा है कि जो आईडी यहां पर ड्रोन गिराने वाला था उसे शायद कोई शख्स यहां लेने आ रहा था। यहां पर क्यों लेने आ रहा था, आप देख सकते हैं आसपास का इलाका, यहां पर घनी घास है और यहां पर छिपना बहुत आसान है किसी भी शख्स के लिए, और ऐसे में इस घास का जो है फ़ायदा लेते हुए वो शख्स यहां पर छुप सकता था। और साथ में ही हाईवे है जहां से ये आईडी उठाकर निकलना बहुत आसान था। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी भारत में बैठे अपने साथियों को ड्रोन के जरिए हथियार, असलहा और विस्फोटक भेजते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पिछले 1.5 साल में जम्मू से ड्रोन के जरिए 16 AK-47 राइफल, 3 M4 कार्बाइन, 3 अमेरिकी मेड M4 कार्बाइन, 34 पिस्टल, 15 ग्रेनेड, 18 IED और 4 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। पिछले कुछ समय में पाकिस्तान का ये ड्रोन वाला आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल इसका मुकाबला भी कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की चुनौती हर बार कामयाब होने की है, जबकि आतंकियों को सिर्फ एक बार होना है। बिल्कुल सही, पाकिस्तान पर सुरक्षा बलों का ये प्रहार सिर्फ जम्मू में ही नहीं हो रहा है, बल्कि जम्मू में भी सेना आतंकवादियों का सफाया कर रही है। और हम आपको बताते हैं कैसे। आज उत्तरी कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 2 स्थानीय आतंकवादी मारे गए। इसी के साथ इस साल अब तक घाटी में सुरक्षा बलों ने 82 आतंकवादी मार गिराए हैं। आज मारे गए आतंकियों में लश्कर का कमांडर फयाज वार भी शामिल था। उसके मारे जाने के बाद अब उत्तरी कश्मीर में लश्कर के सभी टॉप कमांडर जो हैं वो खत्म हो गए हैं, यानी उत्तरी कश्मीर आतंकवादियों के कमांडरों से मुक्त हो चुका है। सिर्फ जुलाई में ही 27 आतंकवादी मारे गए थे। इस साल सुरक्षा बलों ने कुल 82 आतंकियों को मार गिराया, जिनमें से सबसे ज्यादा लश्करे तैयबा के 43 आतंकी थे। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन, अल बद्र, जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवतल उल हिंद के भी आतंकी थे, जिनको नेस्त नाबूद किया, मार गिराया। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठनों के बड़े बड़े कमांडर्स को मार गिराया है। 19 जुलाई को शोपियन में सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में लश्कर के सबसे पुराने कमांडर इशफाक डार उर्फ अबू अकरम को मार गिराया था। वो एक पूर्व पुलिसकर्मी था और 2017 में वो आतंकवादी बना था। 14 जुलाई को सुरक्षा बलों ने पुलवामा में एक मुठभेड़ में लश्कर के पाकिस्तानी कमांडर एजाज उर्फ अबू हुरैरा को मार गिराया था। फिर 16 जुलाई को श्रीनगर के दानमार इलाके में इरफान और बिलाल नाम के 2 आतंकी मारे गए थे, जिनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यानी ISJK से था। एक के बाद एक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी मारे जा रहे हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 के तहत ये तय किया गया कि पुराने आतंकवादियों को मार गिराना है और जो युवा भटककर आतंक के रास्ते पर हैं उन्हें वापस लेकर आना है। इसी दोहरी रणनीति का नतीजा है कि आतंकी कश्मीर में अपनी जमीन खो रहे हैं, इनफैक्ट खो चुके हैं। ना तो सरहद पार से कोई आतंकी घुसने में कामयाब हो पा रहा है और ना ही कोई स्थानीय युवा उनका साथ इस वक्त दे रहा है। उत्तरी कश्मीर के 4 में से 3 जिले तो पूरी तरह से आतंक मुक्त हो चुके हैं। मुबारक। अब सुरक्षा बलों के निशाने पर साउथ कश्मीर के 4 जिले हैं, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियन और पुलवामा।
जहां अभी भी कुछ आतंकी कमांडर्स बचे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यहां भी आतंकियों का खात्मा जल्द होगा। ABP News आपको रखे आगे।